अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। जी जनाब, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैंने चिल्तन प्योर से कुछ चीज़ें मंगवाई हुई हैं। जैसे ही वो मुझे रिसीव होंगी, मैं आप लोगों के साथ उसके रिव्यूज़ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले जो है वो मैंने मंगवाया हुआ है चिल्तन प्योर का विटामिन सी सीरम और साथ में कैरेट क्लियर। ये दोनों ही चीज़ें मैंने चिल्तन प्योर के पेज पे देखी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त है ये और 100% जो है वो ऑर्गेनिक हैं। इसमें कोई केमिकल जो है वो मिक्स नहीं किया गया। मैंने पहले इनकी दूध पत्ती, क्वेटा दूध पत्ती यूज़ की है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो इसके साथ साथ अब मैंने ये भी दो चीज़ें ऑर्डर की थी, तो वो मुझे रिसीव हो चुकी हैं। ये है विटामिन सी सीरम। विटामिन सी सीरम जो है वो हमारी स्किन को ब्राइट करता है और छाइयों का खात्मा करता है। जिनके चेहरे पे छाइयां हैं उनके लिए बेस्ट है। और इसके साथ साथ डार्क स्पॉट्स और फाइन लाइंस को ख़त्म करने के साथ साथ ये डार्क सर्कल्स को भी ख़त्म कर देता है और स्किन को बहुत स्मूथ एंड ब्राइटन कर देता है। तो ये आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके यूज़ करने का तरीका ये है कि 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो आप लोगों ने ले लेने हैं और बहुत आराम से जो है वो आप लोगों ने अपनी स्किन पर इसको अप्लाई कर लेना है। और कोशिश करें कि इसको रात में जो है वो यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें कोई भी हार्श केमिकल्स यूज़ नहीं हुआ हुआ, बिल्कुल कुदरती अज्जा से तैयार किया गया है और मेरी तरफ़ से 100% रिकमेंडेड है, आप लोग यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है मैंने कैरेट क्ले मंगवाई थी, ये भी मैंने इस्तेमाल की है, मुझे बहुत पसंद आई है और इसका भी रिज़ल्ट 100% है। आप लोगों की स्किन एकदम से जो है वो ग्लो करती है। बहरहाल आपको इन चीज़ों के रिज़ल्ट आहिस्ता आहिस्ता ही मिलते हैं अगर आप इसको प्रॉपरली यूज़ करते रहते हैं, जैसे कि इसके ऊपर लिखा होता है। कैरेट क्ले जो है वो ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी है और आपको पता है जैसे कि गर्मियां हैं तो तकरीबन सबकी स्किन जो है वो ऑयली होती है, तो इस समर में इसका जो है यूज़ वो ज़्यादा बेहतर रहता है। ये हमारे डेड स्किन के सेल्स को रिमूव करके हमारी स्किन को ग्लो और स्पॉटलेस बनाकर बहुत खूबसूरत बना देता है। तो जनाब, इनका यूज़ भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले आपने एक बाउल में 1 टीस्पून जो है वो कैरेट क्ले का ले लेना है। इसके साथ आपने 2 टेबलस्पून जो है वो आपने एलोवेरा जेल शामिल करनी है। इसके साथ साथ आप लोगों ने अपनी चॉइस है, अगर एप्पल विनेगर आप इसमें शामिल करना चाहें तो आप लोग वो भी शामिल कर सकते हैं। रोज़ वाटर जो है वो बेस्ट होता है, मैं भी रोज़ वाटर यूज़ करती हूँ, आप भी इसमें रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी स्किन रोज़ वाटर के साथ वाइप करने के बाद आप लोगों ने इसकी थिन सी एक लेयर लगा लेनी है अपने फेस पर और अपनी नेक पर, और 15 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। जब हल्का सा ड्राई होना शुरू हो जाए तो आप लोगों ने इसको ठंडे पानी के साथ जो है वो रिमूव कर लेना है। तो ठंडे पानी से अपनी स्किन को वॉश करने के बाद किसी क्लीन टॉवल के साथ आप लोगों ने वाइप कर लेना है अपनी स्किन को। तो जनाब, आप लोगों को फौरी तौर पर जो है वो पता चलेगा कि आपकी स्किन जो है वो बहुत स्मूथ हो गई है। उसके बाद आप 2 से 3 ड्रॉप्स जो हैं वो विटामिन सी सीरम के यूज़ करें और आपको फ़र्क जो है वो फ़ौरन पता चलेगा। चलें जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ मैं आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।